कलाजल टाइम्स लोगों से अपील करता है, कोरोना वायरस से ना घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। आओ चार बात करें। कोरोना वायरस एक फ्लू जैसी बीमारी फैलाता है, जिसके लक्षण हैं बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। नंबर दो, बचाव के सरल उपाय। हाथों को बार बार साबुन एवं साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। खांसते और छींकते समय अपना नाक और मुंह को टिश्यू या रुमाल से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को कूड़ेदान में ही फेंकें। अगर खांसी या बुखार के लक्षण हों या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाएं। खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर और लक्षण समाप्त होने तक घर पर ही आराम करें। अन्य लोगों से कम एक मीटर की दूरी बनाएं। क्या ना करें, सार्वजनिक एवं खुले स्थानों पर ना थूकें। बेवजह अपनी आंखें, नाक या मुंह ना छुएं। छूने के बाद हमेशा हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। खांसी या बुखार के लक्षण होने पर या सांस लेने में तकलीफ होने पर लक्षण समाप्त होने तक सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं और लोगों से निकट संपर्क ना करें। नंबर तीन, शिक्षक और छात्रों की भूमिका। विद्यालयों में प्रार्थना के समय संदेशों का प्रसार। मध्याह्न भोजन मिड डे मील से पहले प्रतिदिन 15 मिनट कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु साबुन एवं साफ पानी से हाथ धोने की गतिविधि का प्रदर्शन करें। प्रत्येक विद्यार्थी की डायरी में ऊपर दिए गए बचाव के सरल उपाय लिखित रूप से दें। विद्यार्थी को इन उपायों के बारे में घर पर अपने माता पिता और सदस्यों से चर्चा करने के लिए कहें। नंबर चार, हम सब ध्यान दें। भारत में कोरोना वायरस के बहुत कम मामले सामने आए हैं। घबराएं नहीं, यदि विदेश यात्रा से वापस आए हैं, किसी व्यक्ति में स्वयं अथवा इनके संपर्क में आए किसी व्यक्ति में अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो सरकारी अस्पताल में तत्काल उपचार लेने और झोला झाप चिकित्सकों से बचने की सलाह दें। जिम्मेदार बने, सोशल मीडिया में अवैज्ञानिक अप्रमाणिक संदेशों को ना तो फैलाएं और अन्य लोगों को भी मना करें। केवल प्रमाणिक स्रोतों के संदेशों पर भरोसा करें, जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और WHO। कोरोना वायरस से प्रभावित अधिकांश रोगी पूर्णतः सही हो जाते हैं, अति घबराएं बिल्कुल नहीं। संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 180 5145। सूचना विभाग गाजियाबाद द्वारा जनहित में जारी।